तिजोरी टीचर दिव्यांग अनिल दांगी कई दिनों से राजभवन के सामने धरने पर बैठे। साल 2017 में उन्होंने टीजीटी टीचर की परीक्षा दी थी। 6 साल बाद निकाले गए रिजल्ट में उनका नाम भी है, लेकिन नियुक्ति के लिए दफ्तर पहुंचने पर उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता विकी वर्मा। आए हुए राजभवन के पास कई दिनों से यहां पर आए हैं अनिल दांगी जी। अनिल दांगी जी आप देख रहे होंगे कि पैरों से विकलांग है और इनकी हालत ऐसी है कि इन पे बयान नहीं किया जा सकता। दरअसल मामला ऐसा है कि ये टीजीटी टीचर के छात्र हैं और इन्होंने 2017 में एग्ज़ाम लिखा था। 2017 में एग्ज़ाम लिखने के बाद 6 सालों के बाद वो रिज़ल्ट 2023 में आता है, 8 तारीख 6ठा महीना में, जिसको लेकर इनको कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। सर क्या बोले सर कि 2016 का वैकेंसी था और 2017 में एग्जाम होती है, नवंबर में एग्जाम होती है सर। और क्या हुआ कि शुरू में मेरा नहीं हुआ था सर, किसी कारणवश मेरा नहीं हुआ था। उस समय 11-13 का मामला था, सोनी कुमारी का जो मामला जो था 11-13 का मामला था। उसके बाद वो 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। जेएससी ऑफिस जाते हैं तो जेएससी ऑफिस का जो सर जो है माननीय के सचिव सर हैं, सबसे बढ़िया से बात नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं कि नहीं नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हो गया, इनको हटाइए। सो शुरू में यही चीज बोल दिया, 2 महीना पहले गए सर तो आपको इस तरह से हटाइए। तो हम तो एकदम पूरा परेशान हो कि करे तो करे क्या सर, फिर हम रेलवे स्टेशन पर भी रहे, उधर उधर हम बैठे तो हम करे तो भी करे, इतना परेशान फिर हम मतलब बहुत परेशान हो रहे। फिर हम उसके बाद सर सीएमओ ऑफिस में भी ज्ञापन दिए, वहां पर वो एसडी सर मिले, वहां पर भी बोले कि नहीं आपको छूटा हुआ है सिर्फ ना। सो अभी भी हो सकता है और अभी हम बता देते हैं सर, क्योंकि अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया इसका अभी भी जारी है। अभी भी देखिएगा, अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया चल भी रही है और अभी भी जारी, अभी भी मेरा किया जा सकता है, अभी भी हो भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2400 डिस्ट्रिक्ट चुनने का मौका दिया गया है। आपका 2023 में एडमिट कार्ड भी है और इसमें खास बता रहा है कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया, ये इनका नियुक्ति होना चाहिए था। आप मंत्री सर आए थे तो बोले भी थे कि हाँ बाबू बहुत दुख की स्थिति हो गया है, सो जितना भी हो सके मेरे तरफ से मदद भी करेंगे। अब क्या हुआ सर, मदद करने के लिए तो बोलते हैं और अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए सर, और अभी भी वो जान भी रहे हैं। अब देखिए कि पूरा परिवार का पालन पोषण मुझे ही करना है। अब भाभी हैं, 2 छोटे छोटे बेटी हैं। भैया कैसे मरे? भैया ऐसे काम करने के लिए गए हुए थे सर, तो करंट लगने से सर निधन हो गया। मतलब जो 3 होता है 7 होता है 10 करने, तो मेरे पास पैसा भी नहीं था सर। गांव के लोग के मेरे मामा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।